नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं MLC इंजीनियरिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग MLC इंजीनियरिंग के स्टेज चेंज के बारे में बात करेंगे कि ये स्टेज चेंज कब से होने वाला है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग ये बात करेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं स्टेज 4 में MLC इंजीनियरिंग के, और स्टेज 5 जो है वो बहुत जल्द आने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि स्टेज चेंज आखिर कोई भी कंपनी की क्यों होती है। स्टेज चेंज मतलब ये होता है कि वो कंपनी ने जो टारगेट रखे थे स्टेज 4 के लिए वो उसने कंप्लीट कर लिया है, तब वो अगले स्टेज में जा रही है, यानी कि जो उनके लक्ष्य थे आज तक के वो पूरे हो चुके हैं, इसीलिए अब अगले स्टेप में वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं। अब क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं स्टेज 4 में अभी तक के, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। MLC इंजीनियरिंग अभी तक जो उन्होंने रोड मैप बनाया था उसके हिसाब से वो लोग चल रहे हैं, और जो कुछ भी रोड मैप में मेंशन किया गया था वो सारी चीज़ें आज के डेट तक उन लोगों ने अचीव की हैं। MLC इंजीनियरिंग ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है MIET रिसर्च सेंटर के साथ। ये जो है कोलैबोरेशन एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कोलैबोरेशन ज़रूरी होते हैं बिजनेसेस में, ताकि वो लोग अलग अलग जगह पे अपने प्रोडक्ट को चेक कर पाएँ, उसका टेस्टिंग कर पाएँ कि आखिर वो वाकई में कैसा काम कर रहा है और उसको और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। MIET रिसर्च सेंटर के साथ इस एग्रीमेंट को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। अभी जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें एग्रीमेंट्स, पेटेंट्स मिलना, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि सभी इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। अभी हाल ही में एक ऑफलाइन सेमिनार भी हुआ था जो कि कोट लेवर में हुआ था, और इससे जो ऑफलाइन सेमिनार्स होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, और ये जो वेबिनार हुआ था, ये जो सेमिनार हुआ था ऑफलाइन, इससे बहुत सारे नए पार्टनर्स भी आए और अच्छे अच्छे लीडर्स भी कंपनी को मिले हैं। ये तो अचीवमेंट्स की बात रही। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो अभी ये चौथी स्टेज चल रही है, लेकिन ये जो स्टेज है ये 1 अगस्त से चेंज हो रही है। 1 अगस्त से जो MLC इंजीनियरिंग कंपनी है वो 5वें स्टेज में चली जाएगी, और 30% की रेट से जो इसका दाम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अभी जो $74,100 में शेयर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे और बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। MLC इंजीनियरिंग के शेयर्स जो अभी $100 में 74,000 शेयर्स मिल रहे थे, वो 5वें स्टेज में यानी कि 1 अगस्त के बाद आपको $100 में 57,000 शेयर मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा जो शेयर्स की संख्या है वो कम होने जा रही है। तो ये जो अभी चौथी स्टेज चल रही है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जो स्टेज चेंज है उसकी डेट बढ़ने वाली नहीं है, ये 1 अगस्त तक है और उससे वो ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 1 अगस्त से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने MLC के शेयर्स बाई कर लिए हैं। अगर आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं हैं तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। $250 से जो इंस्टॉलमेंट पैकेजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं, और 10 से 30 महीने तक के इंस्टॉलमेंट मंथ्स में आते हैं। तो आप अभी भी पैकेज बुक कर सकते हैं, टाइम है अभी। 1 अगस्त से जो इसकी स्टेज है ये चेंज हो रही है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे लगा कि आप सबके लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको MLC इंजीनियरिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप MLC इंजीनियरिंग का YouTube चैनल है, उसका वेबसाइट है, विजिट कर सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो बना रखा है पहले से, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दीजिए, जल्दी से जल्दी आप पैकेज बुक कर सकते हैं, ताकि आपके पास ज़्यादा शेयर्स हों और आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें आने वाले टाइम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।